और सुंदर दृश्य आपको दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से रंगोली बनाई जा रही है, बहुत ही अद्भुत कला है ये। बहुत ही जल्दी कुछ ही देर में रंगोली सजा दी जाती है। ये देखिए लाल रंग डाला गया है और सारा कार्य ये लड़की कर रही है। विभिन्न रंगों का प्रयोग कैसे किया जा रहा है आप देखेंगे अभी। बहुत ही बड़ी रंगोली सजाई जा रही है बिल्कुल सरदार शहर के चौक के बीच में। हर कार्य बहुत ही जल्दी किया जा रहा है आप देखेंगे अभी। महाराष्ट्र पुणे से आए हैं ये कलाकार। कितना सुंदर, कितना जल्दी कार्य किया जा रहा है आप देख रहे हैं। जगह जगह पूरे सदाशहर के मार्केट में रंगोलियां सजाई जा रही है। कितना खूबसूरती से किया जा रहा है सारा कार्य आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कलश बनाया गया है बहुत ही सुंदर। सारे लोग मंत्रमुग्ध होकर देख रहे हैं इस कार्य को। विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है रंगोली में। देखिए एक साथ दो रंगों का इस्तेमाल किया गया इस बार। वाह बहुत ही खूबसूरत कला है ये। और फिर कुछ रंग और इस्तेमाल किए जा रहे हैं आप देख रहे हैं। कुछ ही सेकंड में आप देख रहे हैं ये खूबसूरत रंगोली सजा दी गई है। अभी रंगोली कंप्लीट नहीं हुई आप देख रहे हैं। लगातार रंगों के पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये आप देख रहे हैं सरदार शहर लिखा जा रहा है इसमें। निश्चित रूप से अद्भुत कला है ये। ये महाराष्ट्र पुणे से आए हैं कलाकार जो रंगोलियां सजा रहे हैं। सरदार शहर में आपका स्वागत है ये लिखा जा रहा है आप देख रहे हैं। कहते हैं कला विहीन मनुष्य पशु के समान माना जाता है। अगर आप में कला होती है तो आप लोगों का आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। पुणे की एक लड़की आप देख रहे हैं यहाँ पर आई है और जगह जगह ये सुंदर रंगोलियाँ सजाई जा रही है। इस रंगोली को कुछ ही सेकंड में बनाया गया है जिसमें एक सुंदर कलश बनाया गया है। साथ में सरदार शहर में आपका हार्दिक स्वागत है ये लिखा गया है। इस तरह की रंगोलियाँ जगह जगह सजाई जा रही है और पूरा सरदार शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। लेकिन इस सजावट में ये जो रंगोली आप देख रहे हैं सड़कों पर बनाई जा रही है ये सबको आकर्षित कर रही है। बहुत ही सुंदर रंगों का मिश्रण, बहुत ही सुंदर रंगों का प्रयोग, उसके बाद में जिस तरह की रंगोली सजाई जा रही है हर कोई मंत्रमुग्ध होकर आकर्षित ढंग से इस रंगोली को देख रहा है। देखिए इसको अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत रंगोली सजाई जा रही है। बहुत ही सुंदर रंगोली सजाई गई है आप देख रहे हैं और चारों तरफ लोग मंत्रमुग्ध होकर इस कला को देख रहे हैं। सरदार शहर में इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी की जो कलश यात्रा निकल रही है उसके लिए पूरे बाजार को सजाया गया है मालू परिवार के द्वारा। और अभी भी आप देख रहे हैं इस रंगोली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ढंग से इसको सजाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत कला है। बहुत बड़ी रंगोली सजाई जा रही है गांधी चौक में आप देख रहे हैं। आप देखिए एक और व्यक्ति इसमें जुड़ गया है। बहुत बड़ी विशाल रंगोली सजाई गई है गांधी चौक में।
जहाँ से अभी शोभा यात्रा निकलने वाली है, कलश यात्रा निकलने वाली है। अद्भुत रंगोली सजाने की ये कला आप देख रहे हैं और बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, अभी भी आप देख रहे हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुई है। महाराष्ट्र पुणे से आए कलाकार ये रंगोली कला का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे रंगों का प्रयोग हो रहा है और रंगोली लगातार और ज़्यादा खूबसूरत बनती जा रही है। अब आप देख रहे हैं पीले रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। सैकड़ों लोग इसको देख रहे हैं। मुट्ठी में भरकर रंगों को फेंका जा रहा है लेकिन बहुत सुंदर ढंग से। कमाल है ये, निश्चित रूप से अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है, बेमिसाल है। अभी भी बाकी है, आप देख रहे हैं फिर रंग लाए गए हैं। ये रंगोली बढ़ती जा रही है जैसे हनुमान जी की पूंछ बढ़ती है, क्योंकि ये कार्यक्रम हनुमान जी महाराज का है और इसको बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, आप लगातार देख रहे हैं। शायद आपने इतनी बड़ी रंगोली देखी भी नहीं होगी। अभी भी बाकी है ये देखिए, अभी बहुत सारी डिजाइन इसमें की जा रही है। ये प्रमुख कलाकार ये लड़की आप देख रहे हैं जिसने इस रंगोली को इतना खूबसूरत बनाया है। लगातार इस रंगोली को बढ़ा किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत कला आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे राजस्थान की परंपरा है त्योहारों पर, उत्सवों पर इस तरह की रंगोली सजाना, लेकिन ये कलाकार राजस्थान के नहीं है, महाराष्ट्र के हैं। क्योंकि ये बालाजी महाराज का कार्यक्रम है, इच्छापूर्ण बालाजी महाराज का कार्यक्रम है और अगर मैं इस रंगोली की बात करूं तो ये रंगोली छोटे रूप से शुरू की गई थी और ये धीरे धीरे इतनी बढ़ रही है। जैसे आप सुंदरकांड के पाठ में पढ़ते हैं कि हनुमान जी महाराज जब रामायण में देखा जाता है कि जब गए थे और लंका में जब हनुमान जी महाराज की पूंछ को कपड़े लपेटे जा रहे थे, तेल केरोसिन लगाया जा रहा था, तो हनुमान जी महाराज की पूंछ लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक उसी तरह से ये रंगोली भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक छोटी सी रंगोली बीच में बनाई गई थी, अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसको विशाल रूप दिया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हनुमान जी महाराज की कथा याद आ रही है। बहुत ही अद्भुत कला है। ये पुणे महाराष्ट्र के कलाकार है जो सरदार शहर के गांधी चौक को सजा रहे हैं। पूरा सरदार शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हरी केसरिया झंडियाँ लगाई गई है, लाल ध्वजाएँ लगाई गई है, गुब्बारों से सजाए गए हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं, लेकिन ये रंगोली सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पर चारों तरफ आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग इस अद्भुत कला को देख रहे हैं। देखिए अभी ये रंगोली कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी इसको और बड़ा बनाया जा रहा है और सुंदर बनाया जा रहा है। और ये लड़की आप देख रहे हैं जो बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है, कुछ मिनट हुए अभी और मैं फिर कहूँगा ये लगातार बढ़ती जा रही है रंगोली। पूरा गांधी चौक कवर कर लिया है इस रंगोली ने और चारों तरफ दर्शक आप देख रहे हैं रंगोली को देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी कला शायद किसी ने देखी नहीं होगी। रंगोली हम भी घरों में सजाते हैं लेकिन छोटी सी रंगोलियां होती है। आजकल तो लोग स्टिकर का प्रयोग करते हैं, रंगोली सजाते भी नहीं हैं, लेकिन ये रंगोली निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत आकर्षक हैं, दर्शनीय हैं। ये इनकी पूरी टीम है आप देख रहे हैं जो महाराष्ट्र से आई है।
सभी के लिए ये रंगोली आकर्षण का केंद्र आप देख रहे हैं। मैं फिर कहूँगा आप देख रहे हैं लगातार इस रंगोली को बढ़ाया बनाया जा रहा है। ये लड़की आप देख रहे हैं थक नहीं रही है, लगातार कार्य कर रही है और बहुत तेजी से कर रही है। इतना जल्दी तो कोई स्केच या पेन से भी नहीं कर सकता है। रंगोली आप देख रहे हैं सच का तैयार हो चुकी है।